हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो आज मैं जो बनाने जा रही हूँ ये एक बहुत ही देसी सब्ज़ी है, हर इंडियन घर में इसे पसंद किया जाता है। ये है कटहल की सब्ज़ी और कटहल को हम जैक फ्रूट भी बोलते हैं। आई होप आपको भी पसंद आएगी ये रेसिपी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं, क्या क्या चाहिए हमें कटहल की सब्ज़ी बनाने के लिए। 300 ग्राम्स कटहल लिए हैं मैंने, इसे मैंने छोटे पीसेस में कट कर लिया है। 3 पोटैटोस लेंगे बॉईल किए हुए, इसे भी मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। 3 to 4 अनियंस रफली चॉप्ड। 7 to 8 गार्लिक पॉड्स। मसालों में हमें हल्दी, नमक, गरम मसाला एंड धनिया पाउडर चाहिए। हींग, लाल मिर्च पाउडर एंड कुछ खड़े मसाले लिए हैं। चलिए सबसे पहले हमें कटहल को बॉईल करना है, तो एक कुकर में हम कटहल डालते हैं। इसे हम 1 विसल तक बॉईल करेंगे, अगर आप ज़्यादा बॉईल करोगे तो ये मशी हो जाएंगे। थोड़ा सा पानी डालते हैं इसमें, ऑयल डाल दीजिए ज़रा सा। मिक्स कर लीजिए इसे। अब इसको कवर करके हम 1 विसल तक इसे बॉईल करते हैं। ये देखिए कटहल हमारे बॉईल हो गए हैं। चलिए अब इसे फ्राई करते हैं। एक पैन लीजिए, इसमें ऑयल डालिए। हींग के साथ फ्राई करूंगी मैं इसे, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बॉइल्ड कटहल डाल देंगे इसमें, मिक्स कर लीजिए। इसे हमें मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, इससे सब्ज़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है एंड कटहल भी मैश्ड अप नहीं होते हैं, अलग अलग दिखते हैं। चलिए इसे फ्राई करते हैं। ये देखिए हमारा कटहल अच्छे से भुन गया है एंड ये रेडी है अब ग्रेवी में जाने के लिए। अनियंस और गार्लिक का हम प्योरी बना लेते हैं। एक ग्राइंडिंग जार में इसे डालिए एंड बहुत ही फाइन प्योरी नहीं बनाएंगे, थोड़ा चंक्स रहेंगे। चलिए अब एक पैन ले लीजिए, इसमें ऑयल डालते हैं। ऑयल गरम होने पे हम इसमें अपने खड़े मसाले डालेंगे। सबसे पहले तेज़पत्ता डाला है मैंने, एंड बाकी के खड़े मसाले भी डाल देंगे। खड़े मसाले कटहल की सब्ज़ी को एक बहुत ही अच्छा टेस्ट देते हैं, तो इसे आप ज़रूर डालिएगा। अनियन प्योरी डाल देते हैं, अनियन और गार्लिक की जो प्योरी बनाई थी। ये देखिए आपको इसमें अनियन के चंक्स दिख रहे होंगे। अनियन को हम थोड़ा सा पका लेंगे 2-3 मिनट एंड फिर मसाले डालेंगे। मीडियम फ्लेम पे इसे थोड़ी देर भुनिए। ये देखिए अनियंस भी हो गए हैं, अब इसमें हम मसाले डालते हैं। सबसे पहले मैं लाल मिर्च डालती हूँ, फिर इसे मिक्स करके एंड फिर बाकी के मसाले डालेंगे। हल्दी डाल दिया मैंने, धनिया पाउडर, गरम मसाला, मिक्स कर लीजिए। अब इसे कवर कर देंगे है ना, मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। बीच बीच में से चलाते रहिए वरना मसाले लग जाएंगे पैन में। मसाले हमेशा कवर करके पकाया करिए, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये देखिए
मसालों ने तेल छोड़ दिया है, तेल उज़ आउट होने लगा है यानी मसाले पक गए हैं। अब इसमें हम अपने जो फ्राई किए हुए कटहल थे वो ऐड कर देते हैं। पोटैटोज़ ऐड कर देते हैं, इसे मिक्स कर लीजिए। कटहल भी हमारे फ्राइड एंड बॉयल्ड हैं एंड पोटैटोज़ भी बॉयल्ड हैं, तो इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बनने में। ये देखिए मैंने मिक्स कर लिया है। इसमें पानी डालेंगे हम, जितना गाढ़ी आपको सब्ज़ी चाहिए, जितना ग्रेवी चाहिए आप उतना पानी डालिए। थोड़ा सा पानी ये सोख भी कर लेता है तो उस हिसाब से डालिएगा। थोड़ा सा पानी और ऐड कर रही हूँ मैं। इसे बंद करके लिड लगा के फिर पकाएंगे हम एंड बीच बीच में चेक करते रहेंगे। ये देखिए थोड़ा सा पानी कटहल ने भी छोड़ दिया है। मीडियम फ्लेम पे इसे पकने देंगे हम अराउंड 5 to 7 मिनट्स के लिए एंड इसे मिक्स करते रहिए, चलाते रहिए, बीच बीच में चेक करते रहिए। कोरिएंडर लीव्स डाल रही हूँ मैं, सब्ज़ी हमारी लगभग हो गई है। मिक्स कर लीजिए इसे। वन से टू मिनट इसे और हम पकने देंगे। देखिए सब्ज़ी हो गई है हमारी, अब इसे हम सर्व करते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनती है, इसे आप ज़रूर ट्राई करिएगा। कटहल की सब्ज़ी रेडी है, इसे आप भी ज़रूर ट्राई करिए।